हेलो स्टूडेंट, दिस इज शेख मोइनुद्दीन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का ऑर्गेनिक के इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोगों ने ऑलरेडी 3 लेक्चर देख चुका है जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें को सीखी है और अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। तो मैं आज इस नए वीडियो के साथ आया हूं और इसे आप लोग देखें और समझें, साथ ही साथ आप लोग मेहनत भी करें। आपके बुक में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको आप लोग टैकल करें, उसको आप लोग कोशिश करें खुद से बनाने की, ठीक है। तो अभी आपका जो बुक है, चाहे वो आपके पास एनसीईआरटी हो या फिर आपके पास स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक हो या फिर आपके पास एबीसी हो, आलोक हो, एनीवेयर जो कुछ भी हो, सब में नॉमेनक्लेचर, इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स जो है इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में जो है, इस पे बकायदा एक एक्सरसाइज दिया हुआ है जिसको आपको करना है। तो बेटर ये रहेगा कि आप उस क्वेश्चन को लगाइए और जहां प्रॉब्लम आ रहा है आप थ्योरी को पढ़िए, फिर क्वेश्चन को लगाइए, क्वेश्चन एकदम बन जाएगा। तो आज हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं कि सीएक्स बॉन्ड का जो है वह उसका नेचर क्या होगा, उसका प्रकृति क्या होगा, इसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो हम लोगों ने 11th में पढ़ रखा है कि रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर, उसके रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर एक इफेक्ट आता है, एक प्रभाव आता है और परमानेंट प्रभाव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरक प्रभाव। तो इस सीएक्स बॉन्ड में कहीं ना कहीं उस कंसेप्ट की जरूरत है हमें और उस कंसेप्ट को हम रिमाइंड भी करना चाहेंगे कि आखिर x पे क्यों नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, c पे क्यों पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पोलैरिटी नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होगा, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका माइग्रेशन किधर की ओर होगा, अगर x की ओर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सब सारी चीजें हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड के अंदर, ठीक है। तो पिछले क्लास में मैंने एक टॉपिक भी लिखा था कि नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड यानी सीएक्स बॉन्ड का प्रकृति, ठीक है। तो मैं आज से फिर उसको लिख रहा हूं, नेचर ऑफ सीएक्स, नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड, सीएक्स आबंध, सीएक्स आबंध की प्रकृति, सीएक्स आबंध की प्रकृति। अब हमें इसको देखना है कि सीएक्स आबंध की प्रकृति क्या है, सीएक्स आबंध की प्रकृति। अब देखते हैं हम कि हम उस बॉन्ड के बारे में समझते हैं, सी सी और सिंगल बॉन्ड एक्स। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है हैलोजन्स को, किसके लिख देते हैं, वेयर एक्स बराबर हैलोजन एटम्स। एक्स बराबर क्या है, हैलोजन एटम, ठीक है। तो देखा जाए स्टूडेंट, शेयरिंग में जब बताया जाता है तो यहां पे एक बॉन्ड अगर क्रिएट हुआ है तो कहीं ना कहीं इस बॉन्ड के अंदर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है और जस्ट लाइक दैट क्लोरीन
यानी हैलोजन का भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हुआ है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो क्या बन के आया, हमारे पास एक बॉन्ड क्रिएट हो गया है। तो यहां पे देखते हैं हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट देखना है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। देखते हैं थोड़ा सा शेयरिंग के बारे में कि सी सी मतलब कहने का क्या अर्थ है, कार्बन। कार्बन ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, जस्ट लाइक दैट हेलोजन ने भी अपना कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, एक। जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिले हैं तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड का क्रिएशन हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहां पे एक्स जो है, एक्स एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेलोजन एटम। तो एक्स का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, एक्स का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, यह है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रो, मोर इलेक्ट्रो निगेटिव। इलेक्ट्रोनिगेटिव कहने का अर्थ है वैद्युत, वैद्युत ऋणात्मक। क्या अर्थ है दोस्तों, वैद्युत ऋणात्मक। जस्ट लाइक दैट यहां पे कार्बन जो है यह है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। लेस कहने का क्या मतलब है, कम। लेस इलेक्ट्रो निगेटिव। अब देखिए, अब एक्स का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वह क्या है, ज्यादा है, और सी का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वह क्या है, कम है। यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहने का क्या अर्थ है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहने का क्या अर्थ है, यानी किसी भी एटम के पास वह फोर्स जिसके द्वारा वह बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है, क्षमता रहता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो जो जितना ही ज्यादा बल के साथ किसी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, उस पे आ जाता है पार्शियल निगेटिव चार्ज, यानी निगेटिव पोलैरिटी। और जो जितना ही कम इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, उस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसको बोला जाता है पॉजिटिव पोलैरिटी। तो यहां पे जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में, वह एक्स के ज्यादा करीब रहेगा और सी से क्या होगा, ज्यादा दूर रहेगा। ड्यू टू दिस, तो एक्स यानी जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह कहां जाएगा, एक्स के करीब रहेगा और सी से क्या रहेगा, दूर रहेगा। तो एक्स पे कौन सा चार्ज आ जाता है, एक्स पे आ जाता है पार्शियल निगेटिव चार्ज और सी पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यानी हम अलग अर्थ में लिख सकते हैं कि बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स टुवर्ड्स एक्स, बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स एक्स। यानी जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वह किधर की ओर डिस्प्लेस होगा, एक्स की ओर, क्योंकि एक्स का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वह क्या है, ज्यादा है, और सी का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वह क्या है, कम है। यहां तक समझ गया लोग। अब हम लोग देखते हैं कि जो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक्स बराबर मैंने क्या लिया, सी एल। एक्स बराबर क्या लिया मैंने, सी एल। एक्स बराबर जब मैंने सी एल लिया तो
अब लिख लेते हैं सी और सिंगल बॉन्ड सी एल, सी सिंगल बॉन्ड सी एल। यहां पे जो सी एल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, पीएन पीएन किसको इंडिकेट करता है दोस्तों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो यहाँ पे जो EN है CL का वह होता है 3, कितना होता है 3, जबकि कार्बन का जो EN है वह होता है 2.5, 3 और 2.5। तो यहाँ पे भी जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको क्लोरीन के पास खींचने की क्षमता ज्यादा है और कार्बन के पास खींचने की क्षमता कम है। Due to this, जो bonded pair of electron होगा, वह किधर की तरफ attract होगा? Chlorine की तरफ। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि bonded pair of electron, bonded pair of electron displaced towards bonded pair of electron displaced towards Cl, किधर की तरफ displace होगा? Cl की तरफ। तो यहां पे भी अगर इस बॉन्ड का रप्चर हो रहा है तो यहां पे आ जाएगा डेल नेगेटिव और C के ऊपर आ जाता है डेल पॉजिटिव। क्या आ जाता है स्टूडेंट? डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। या ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है? अंतर। तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उधर ही जाना चाहेगा जिधर से फोर्स क्या हो ज्यादा लग रहा। तो देखा जाए क्लोरीन पे क्या हो रहा है, ज्यादा फोर्स लग रहा है क्लोरीन की तरफ से, और कार्बन की तरफ से क्या हो रहा है, कम फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर आ जाता है निगेटिव पोलैरिटी और यहां पे आ जाता है पॉजिटिव पोलैरिटी। आ रहा है बात समझ में? अब देखिए निगेटिव पोलैरिटी और पॉजिटिव पोलैरिटी, तो पोलैरिटी क्या है? पोलैरिटी जस्ट लाइक दैट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, पोलैरिटी क्या है यानी किसी भी एटम के पास वह क्षमता जिसके द्वारा वह बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जिसके तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उधर ही डिस्प्लेस होगा, उधर ही जाएगा, जिस कारण दोनों एटम पे एक पोलैरिटी उत्पन्न हो रहा है, एक पार्शियल चार्ज उत्पन्न हो रहा है जिसको हमने बता दिया डेल नेगेटिव के द्वारा और डेल पॉजिटिव के द्वारा। ये 11th में ऑलरेडी आपने देख रखा है, फिर भी मैं यहां बता दिया हूं। ठीक है, आ रहा बात समझ में? इसको राइट डाउन किया जाए। देखिए बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैंने एक इंग्लिश का एक सेंटेंस लिखा है, बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जो बंधित इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है उसको क्या बोला जाता है, बाउंड। बाउंड मतलब क्या हुआ, बंधा हुआ। तो बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स एक्स, बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड टुवर्ड एक्स यानी जो बंधित इलेक्ट्रॉन है दो एटम के बीच में जो एक साझा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन एक बंधा हुआ है जिसके द्वारा एक बॉन्ड का क्रिएशन हुआ है वह किधर डिस्प्लेस होगा, वह एक्स की तरफ डिस्प्लेस होगा। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है हैलोजन एटम को, हैलोजन एटम जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइल। ठीक है स्टूडेंट, इसको राइट डाउन किया जाए। इसको आप लोग राइट डाउन कर लें। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, हम लोगों ने अभी तक देख लिया सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोरिन्स, देन सेकंड वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोरिन्स, एंड थर्ड था हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोरिन्स, और फोर्थ था नेचर ऑफ सेक्स बॉन्ड। यानी चार ऑब्जेक्टिव्स को हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है। अब हमारे पास फिफ्थ ऑब्जेक्टिव्स जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही उसका अहमियत है हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स के अंदर,
उससे हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे रिएक्शन हर एक साल एग्जाम में आते हैं। तो हमें अब देखना है प्रिपरेशन, क्या देखना है स्टूडेंट, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एलकेट्स, हेलो एलकेट्स एंड हेलो एरिज। Preparations of haloalkanes and haloarenes, yani haloalkane tatha haloarenes तथा हेलोएरिन्स का निर्माण। हेलोएल्केन तथा हेलोएरिन्स का निर्माण। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। इसमें बहुत सारे हमें रिएक्शन भी मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं वीवीआई लगाते चलूंगा और आपको उसको अच्छे से देखते चलना है। तो पहला जो प्रिपरेशन है इसका नाम दे दिया जाए ए वन, दे दिया जाए वन, फ्रॉम एल्कोहल। क्या है दोस्तों, फ्रॉम एल्कोहल यानी एल्कोहल से, किसके द्वारा बना रहे हैं, एल्कोहल से। फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से यानी इसके अंतर्गत देखना है कि हम एल्कोहल के द्वारा, जो हमारे पास एल्कोहल है उसके द्वारा हम अल्काइल हैलाइड या कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे, क्या रिएक्शन एराइज होगा, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना है, उसको हमें देखना है फ्रॉम एल्कोहल के अंदर। किसके अंदर देखना है, फ्रॉम एल्कोहल के अंदर। तो इसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं हमारे पास, कि अलग अलग नाम भी है कि उसके द्वारा कैसे हम अल्काइल हैलाइड प्राप्त करेंगे। तो इसमें पहला है ए, पहला हमारे पास क्या है जिसका नाम मैं दे रहा हूं ए, ए जिसको बोला जाता है फ्रॉम लुकास रिएजेंट, फ्रॉम लुकास रिएजेंट, फ्रॉम लुकास रिएजेंट। लुकास यह एक नाम है, यह एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने एल्कोहल के द्वारा क्या बनाया था, अल्काइल हैलाइड बनाया था। तो ये हम क्या देखते हैं, फ्रॉम लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट ने कैसे बनाया था। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिएक्शन पे ध्यान देते हैं, आर ओ एच प्लस, आर ओ एच प्लस एच सी एल, और यह रिएक्शन जो है यह होता है जेड एन Cl2 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होता है स्टूडेंट, ZnCl2 की उपस्थिति में। तो यहां से क्या निकलता है अपने पास OH, और यहां से अपने पास क्या आता है H, क्या निकलता है H और OH, जहां पे R बराबर क्या होता है अल्काइल ग्रुप। R बराबर क्या है दोस्तों, अल्काइल ग्रुप। किसके उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, ZnCl2 की उपस्थिति में। तो हमारे पास यहाँ क्या मिल गया, R, और यहाँ मिल गया अपने पास Cl प्लस, बाहर क्या हो गया, Z, क्या बाहर हो गया,
स्टूडेंट जब, इसका नाम हम क्या देते हैं, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है लुकास रिएजेंट रिएक्शन। इन्होंने एल्कोहल से हमें क्या बना के दे दिया, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब हमें देखते हैं कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल के अंदर आप इससे अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। जो लुकास रिएजेंट है इसका एक और बहुत ही अहमियत है कि इसमें आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो एल्कोहल होता है उसमें आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, उसमें आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह डिस्टिंग्विश कैसे करता है या अंतर कैसे स्पष्ट करता है। तो हम देखते हैं कि अगर आपने लिया है केस फर्स्ट इसी के अंदर है, लुकास रिएजेंट के अंदर ही, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि केस फर्स्ट में अगर आपने लिया है 3 डिग्री अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल लिया है, 3 डिग्री अल्कोहल, और फिर जब आप उसमें लुकास रिएजेंट अप्लाई करते हो तो इसमें मिलता है आपको टर्बिडिटी। क्या मिलता है स्टूडेंट, टर्बिडिटी, यानी जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, आर्द्रता। क्या बोला जाता है, आर्द्रता। जैसे आर्द्रता हम यूं समझ सकते हैं, जैसे जब हम किसी कंटेनर में गर्म पानी रखते हैं और उसके ऊपर कोई लिफ्ट ले लेते हैं, कोई पत्ता ले लेते हैं, तो जब भाप एराइज होता है तो हम देखते हैं पत्ता पे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा वाटर के ड्रॉप्स आ जाते हैं, वाटर के बूंद आ जाते हैं, तो उसे बोलते हैं आर्द्रता। तो अगर टर्बिडिटी जो है वह तुरंत मिल जाए, मान लीजिए मैंने 3 डिग्री अल्कोहल लिया या कोई भी अल्कोहल लिया हमें पता नहीं, अगर हमें टर्बिडिटी तुरंत मिल जाए तो समझ जाते हैं कि यह जो हमने अल्कोहल लिया है यह कौन सा है, यह 3 डिग्री अल्कोहल। अगर टर्बिडिटी 5 मिनट के अंदर मिले, कितने मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर मिले या 5 मिनट में मिले, तो ये समझा जाता है कि जो भी अल्कोहल लिया हुआ है इस रिएक्शन में वह अल्कोहल कैसा है, वह 2 डिग्री। अगर अल्कोहल हमने लिया है और टर्बिडिटी जो है वह बहुत देरों बाद मिले या नहीं मिले, अगर टर्बिडिटी जो है वह बहुत देरों बाद मिले या नहीं मिले, तो हम समझ जाते हैं कि जो हमने या अल्कोहल ले रखा है या प्राइमरी है। ठीक है, तो अगर टर्बिडिटी जो है वह तुरंत मिले, टर्बिडिटी कैसा मिले, वह तुरंत मिले, अगर टर्बिडिटी जो है वह तुरंत मिले, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि जो अल्कोहल है वह कैसा है, वह 3 डिग्री। केस टू 2 डिग्री अल्कोहल, कितना डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं दोस्तों, 2 डिग्री अल्कोहल, अगर टर्बिडिटी जो है वह मिले कितने मिनट में, 5 मिनट, कितने मिनट में मिले दोस्तों, 5 मिनट के अंदर, तो हम समझ जाएंगे कि जो हमारे पास अल्कोहल है वह कितना डिग्री अल्कोहल है, वह 2 डिग्री अल्कोहल है। नेक्स्ट केस थर्ड अगर टर्बिडिटी जो है वह लॉन्ग टाइम के बाद मिले, यानी बहुत देरों बाद, लॉन्ग टाइम, और टर्बिडिटी नॉट सेम, तो हम समझ जाएंगे कि जो हमारे पास अल्कोहल है वह कैसा है, वह अल्कोहल जो है वह प्राइमरी है, यानी 1 डिग्री अल्कोहल। अरे बस समझ में, तो लुकास रिएजेंट का एक और काम है कि या 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर अंतर स्पष्ट करता है। ठीक है,
तो ये हमारे पास था लुकास रिएजेंट। इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे दोस्तों, यह रिएक्शन को आप लैंग्वेज में बना के कैसे लिखोगे? तो मैं बता दे रहा हूं, जब इथाइल एल्कोहल की अभिक्रिया या एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में होती है, तो जल के साथ अल्काइल हैलाइड की प्राप्ति होती है। तो जल के साथ अल्काइल हैलाइड की प्राप्ति होती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट टेस्ट। क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये पहला रिएक्शन था हमारे पास। हमने एल्कोहल से क्या बनाया? अल्काइल हैलाइड बनाया। एल्कोहल से क्या बनाया? अल्काइल हैलाइड बनाया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट मेथड क्या है। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट मेथड क्या है, तो उसको हम लोग देख लेंगे। और मैं सो स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट। ठीक है, तो ये अपने पास था पहला रिएक्शन। अब हम आते हैं कि दूसरा क्या तरीका है, दूसरा क्या मेथड है जिससे हम एल्कोहल के द्वारा अल्काइल हैलाइड प्राप्त करते हैं। तो दूसरा मेथड देखते हैं, ये सब एल्कोहल के अंदर ही चलेगा अभी। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड एल्कोहल के अंदर जो है बी, जिसका नाम हम लोग क्या दे रहे हैं? बी। नाम क्या दे रहे हैं हम लोग दोस्तों? बी बी। ठीक है, या होता है लैब प्रिपरेशन। क्या बोलते हैं इसको? लैब प्रिपरेशन, प्रयोगशाला निर्माण, प्रयोगशाला निर्माण। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इसको लैब में कैसे तैयार किया जाता है, इसको प्रयोगशाला में कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन में क्या करते हैं कि जो सोडियम ब्रोमाइड है हमारे पास, सोडियम ब्रोमाइड लिया जाता है, उसका रिएक्शन कराया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ कराया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। और वहां से प्राप्त किया जाता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या प्राप्त किया जाता है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और फिर जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड को एल्कोहल से रिएक्शन कराया जाता है, तो उस केस में हमें प्राप्त होता है अल्काइल हैलाइड। क्या प्राप्त होता है? अल्काइल हैलाइड। जस्ट लाइक दैट देखते हैं हम लोग। सबसे पहले NaVr, इसका नाम है सोडियम, सोडियम ब्रोमाइड। क्या नाम है स्टूडेंट? सोडियम ब्रोमाइड। और रिएक्शन इसका कराया जाता है H2SO4, यानी इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज दिस? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सोडियम ब्रोमाइड का सबसे पहले रिएक्शन कराया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। देखिए क्या प्राप्त होता है, NaHSO4+ बाहर निकल जाता है HBr। तो यहां से हमने क्या प्राप्त कर लिया? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या प्राप्त कर लिया स्टूडेंट? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या प्राप्त कर लिया हमने? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। पुनः जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन हम कराते हैं एल्कोहल के साथ, तो उस केस में हमें प्राप्त हो जाता है अल्काइल हैलाइड। क्या प्राप्त होता है? अल्काइल हैलाइड। अगेन जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन कराते हैं ROH+HBr, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है स्टूडेंट? HBr के साथ। तो यहां से बाहर क्या निकल जाता है अपने पास?
H2O, क्या बाहर निकल जाता है? H2O। और यहां पे हमें मिल जाता है R और VR, तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? अल्काइल हैलाइड। क्या प्राप्त हो गया? अल्काइल हैलाइड। तो लास्टली हमें प्राप्त क्या करना था? अल्काइल हैलाइड। इसके लिए मैंने किया क्या, सबसे पहले सोडियम ब्रोमाइड का रिएक्शन कराया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, या हमें बना के दे दिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगेन जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन कराया हमने एल्कोहल के साथ, तो उस केस में हमें प्राप्त हो गया अल्काइल हैलाइड। अब देखिए, आर के जगह पे आर बराबर हम ले लिए C2H5। हमने क्या ले लिया? C2H5 यानी इथाइल रेडिकल। क्या ले लिया हमने? या इथाइल ग्रुप। ओके, अब हम रिएक्शन कराते हैं C2H5OH प्लस, इसका रिएक्शन करा दिया मैंने HBr के साथ। किसके साथ करा दिया? HBr के साथ। फाइनली बाहर क्या हो गया हमारे पास? H2O। और हमारे पास यहां बन के मिल गया C2H5, और इसके साथ क्या जुड़ गया? ब्रोमाइन। तो यह कहलाएगा अल्काइल हैलाइड। क्या आ गया हमारे पास? अल्काइल हैलाइड। इसे कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? लैब प्रिपरेशन या लैब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले हमने यहां भी क्या किया, ये रिएक्शन इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। मैंने आर के जगह पे क्या ले लिया है? C2H5 ले लिया है। तो सबसे पहले आपको सोडियम ब्रोमाइड का रिएक्शन कराना है H2SO4 के साथ। H2SO4 के साथ जब हमने रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिल गया? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन जब एल्कोहल के साथ कराया जाता है तो फाइनली हमें प्राप्त हो जाता है अल्काइल हैलाइड। दिस इज कॉल्ड लैब प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो हमारे पास वक्त कितने रिएक्शन आ गए? दो, एल्कोहल के अंदर ए में था लुकास रिएजेंट और बी में हमारे पास था लैब प्रिपरेशन। क्या था स्टूडेंट? लैब प्रिपरेशन। इन दोनों रिएक्शन को आप इंपॉर्टेंट लगाइए, या दोनों रिएक्शन क्या है? VVIE। कैसे रिएक्शन है स्टूडेंट? VVIE। ठीक है, तो दो रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं थर्ड पे, कि थर्ड में एल्कोहल के द्वारा हमें अल्काइल हैलाइड कैसे प्राप्त होगा, वो भी मैं बता रहा हूं। ये सब एल्कोहल के अंदर ही अभी चलेगा, हमें डेविएट नहीं होना है। फिर है सी, कौन सा है हमारे पास? सी। इसमें लिखिए फ्रॉम फॉस्फोरस, फ्रॉम फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, फ्रॉम फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, फ्रॉम फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, यानी फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के द्वारा हम कैसे अल्काइल हैलाइड प्राप्त करते हैं, या हमें किस में देखना है? सी के अंदर। किस कैटेगरी में देखना है? सी के अंदर। थोड़ा सा रिएक्शन पे गौर करते हैं हम। थ्री आर ओएच, थ्री आर ओएच। हमने कोई क्या ले लिया? एल्कोहल ले लिया, और कितना मोल ले लिया? 3 मोल ले लिया। दिस इज ड्यू टू द इक्विलिब्रियम, या हम लेते हैं बैलेंस के लिए 3 मोल एल्कोहल ले लिया, और इसका रिएक्शन मैंने करा दिया PX3 के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा दिया मैंने? PX3 के साथ। इसका नाम है फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। क्या नाम है इसका दोस्तों? फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। अब देखिए, यह हमें बना के दे देता है, यह हमें बना के दे देता है थ्री, यह हमें बना के देता है थ्री आर एक्स प्लस, बाहर निकल जाता है H3 और PO3। क्या बाहर निकल जाता है? H3 और PO3। तो
तो यह हमारे पास बन के आ गया अल्काइल हैलाइड। क्या बन के आ गया स्टूडेंट? अल्काइल हैलाइड। और इसके साथ यह जो कंपाउंड हमारे पास बन के आया है इसका नाम होता है फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड। सो स्टूडेंट हमारे पास यहां भी अल्कोहल के द्वारा हमने क्या बना लिया? अल्काइल हैलाइड। इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है इस रिएक्शन को, और मैं करके मैं बता दे रहा हूं। आर ओएच आर ओएच आर ओएच, ठीक है। अब यहां पे कितना मोल मैंने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लिया? एक मोल। तो यहां पे लिख लिया जाए पी X, यहां पे लिख लिया जाए X और यहां पे भी लिख लिया जाए X। तो यहां से कट आउट कीजिए और यहां से भी कट आउट कीजिए, ठीक है। तो यहां पे भी इस केस में भी हमें क्या मिल जाएगा? तीन R यहां पे, यानी तीन अल्काइल ग्रुप यहां से आ जाएगा और तीन हेलोजन यहां से आ जाएगा, यानी बाहर फाइनली हमें मिल जाएगा थ्री R X प्लस बाहर निकल जाएगा एच थ्री। तीन हाइड्रोजन एटम्स हैं यहाँ पे, एच थ्री पी ओ थ्री, एच थ्री पी ओ थ्री, जस्ट लाइक दैट। देखते हैं हम लोग एच थ्री पी ओ थ्री, यानी तीन हाइड्रोजन एटम, तीन ऑक्सीजन एटम और एक फॉस्फोरस, यानी हमारे पास क्या आ गया? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, सॉरी क्या आ गया? फॉस्फोरस एसिड। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं फास्फोरस ट्राइहैलाइड के द्वारा भी हम अगर अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो हमें फाइनली क्या प्राप्त हो जाता है? अल्काइल हैलाइड। तो लैंग्वेज आपको कैसे लिखना है मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा। जब जब अल्कोहल की अभिक्रिया, जब अल्कोहल की अभिक्रिया, जब अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ होती है, ट्राइहैलाइड के साथ ट्राइहैलाइड के साथ होती है, तो अल्काइल हैलाइड की प्राप्ति होती है। अल्काइल हैलाइड की प्राप्ति होती है। सो स्टूडेंट मैंने कुछ अलग से नहीं लिखा है, जो रिएक्शन है आपके आपके पास मैं उसी को सजा के क्या कर दिया हूं, लिख दिया हूं। तो ऐसे आप भी लिख सकते हो, इसको रटने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है तो सिर्फ क्या देखना है? रिएक्शन। अगर आपको रिएक्शन पता है तो आप उसका लैंग्वेज इजीली बना सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। ऐसे जरूरी नहीं है, अगर आपने रिएक्शन लिख दिया है तो आपको एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, उसमें कोई भी नंबर को कॉटिन नहीं करेगा। तो ये अपने पास क्या था? सी। पास में क्या था अपने पास? सी। सो हेलो स्टूडेंट, आज हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि नेचर ऑफ सेक्स बॉन्ड, उसमें हमने बताया कि पार्शियल चार्ज कैसे जनरेट हो रहे हैं, एक्स पे कैसे निगेटिव चार्ज जा रहा है, सी पे कैसे पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं, ठीक है, पार्शियल निगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फिर हमने प्रिपरेशन में देखा अल्कोहल के द्वारा हम कैसे अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि पेंटा हैलाइड से कैसे बनाया जाता है, और बहुत सारे रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। आज के लेक्चर में बस यही, थैंक यू। मेहनत कीजिए और रिएक्शन को बार बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सेफ रहिए, घर पर रहिए, परिवार के साथ रहिए। थैंक यू।